कोरोना की दूसरी लहर के कारण महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाया गया था। इसी लॉकडाउन के कारण मुंबई की लाइफ लाइन कह जाने वाली मुंबई लोकल सेवा को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे मुंबई वासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में कोरोना दम तोड़ रहा है, लिहाजा अब सरकार ने राज्य में फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने महाराष्ट्र को अनलॉक करने के लिए 5 लेवल प्लान बनाया है। इसी 5 लेवल प्लान में संपूर्ण महाराष्ट्र को 5 लेवल में बांटा गया है और हर एक लेवल के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। सूत्रों की माने तो पहले मुंबई लेवल 3 के अनलॉक में थी, अब यह लेवल 2 में है, जिसके चलते जिम, मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू किया गया, लोकल सेवा भी शुरू हुई, परंतु उसमें आम जनता को इजाजत नहीं है। अभी सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं और सरकार द्वारा मान्य सेवाओं से जुड़े लोग लोकल में सफर कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री विजय वाड़ेकर ने कहा कि जब तक मुंबई लेवल 1 में नहीं आ जाती, तब तक मुंबई में लोकल सेवाएं आम जनता के लिए शुरू नहीं की जा सकती, और इसीलिए अभी मुंबई वासियों को इंतजार करना होगा। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखिएगा, मास्क पहनिएगा, भीड़ में मत जाइएगा और अपने हाथ बार बार धोते रहिएगा। कोरोना सिर्फ कम हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और इसीलिए आप सावधानी जरूर बरतिएगा और आपकी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा। वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। और इसी तरह के की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।